आगामी पुलिस भर्ती के लिए फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे अभ्यर्थियों ने आज एसपी कार्यालय पहुंचकर लिखित ज्ञापन दिया। एसपी से उन्होंने खामखेड़ा स्कूल में पीटीआई शिक्षक भूपेंद्र शर्मा को पुलिस प्रशिक्षण के रूप में नियुक्त करने की मांग की है। अभ्यर्थियों ने बताया कि पिछले साल भूपेंद्र शर्मा की ट्रेनिंग के दौरान कई अभ्यर्थी पुलिस भर्ती परीक्षा में और अन्य भर्तियों में पास हुए थे, उन्हें दोबारा नियुक्त करने की मांग की गई। भारत माता की जय। जो समस्या वो लगा यार भाई, मेरा नाम भूपेंद्र लोधी है और हम सभी विदिशा खेल परिसर में एमपी पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं। अभी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। 2022 में हमारे और भी साथी थे जिन्होंने भूपेंद्र शर्मा जी सर के प्रशिक्षण में तैयारी की थी, तो उन सभी ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था। उसमें से काफी ज्यादा बच्चे क्वालिफाई हुए थे, तो इस बार भी हमारी यही मांग है कि सर को फिर से नियुक्त किया जाए एवं प्रशिक्षण। सर हमें प्रशिक्षण नहीं देते हैं अभी, क्योंकि उनके लिए वो अपना करते हैं। सर आप तो किसी न किसी कोच के साथ घूमते हैं? नहीं, हम लोग इंडिविजुअल करते हैं, हमारे लिए कोई भी। सर मेरा नाम दुष्यंत लोधी है। दरअसल हम और हमारे सभी साथी जिला खेल परिषद विदिशा में फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, जो आगामी पुलिस और एसएस ड्यूटी वगैरह के लिए है। तो हमें क्या है कि वहाँ पर जो खेल प्रशिक्षक है उसकी जरूरत है, और चूंकि सभी के जानकारी में भी है, संज्ञान में भी है कि हमें 2022 में भूपेंद्र शर्मा जी द्वारा खेल प्रशिक्षण दिया गया था, और वही खेल प्रशिक्षण साथ में हमारी फिजिकल तैयारी वो भी करवाई थी। तो 2022 में जो हमें भूपेंद्र शर्मा जी द्वारा प्रशिक्षण दिया गया था, हम इस बार भी अपनी मांग रखते हैं कि हम वापस से उन्हीं को हमारे पीटीआई के रूप में रखा जाए, और उनकी नियुक्ति के बाद में हमें कुछ सामग्री की समस्या भी है जो हमारे प्रशिक्षण में आवश्यक है, हमें वो भी उपलब्ध कराई जाए। तो हमारी जिला कलेक्टर साहब से यही मांग है कि हमें सामग्री तथा हमें प्रशिक्षक की जरूरत है, उसकी पूर्ति करा दी जाए। अभी स्टेडियम के अंदर प्रशिक्षक नहीं है? अभी नहीं है, अभी कोई भी प्रशिक्षण इस प्रकार से नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि उन्हीं को रखा जाए। और एक और कारण भी उनका, लास्ट 2022 में जो विगत भर्ती हुई थी उस समय उन्होंने काफी बच्चों को पास भी कराया था, तो एक भरोसा भी हमें कि वो हमें अच्छा प्रशिक्षण देंगे।